बहला फिरदेश, क्यों हुई ऐसी दर्दनाक घटना, क्यों नहीं थमता ये सिलसिला। हैदराबाद के पास एक महिला पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के खिलाफ अपना विरोध दर्शाने और न्याय की मांग के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। लोग सड़कों पर निकल आए हैं और मीडिया पर सरकार प्रशासन के दावों की पोल खुलने लगी है। वहीं कठुआ की सामाजिक संस्था सर्वधर्म सेवा समिति ने भी कठुआ में कैंडल मार्च निकालकर महिला पशु चिकित्सक को इंसाफ देने की मांग की। दुष्कर्म के आरोपियों के लिए कठोरतम कानून और सजा की मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया है। युवा अध्यक्ष सर्वधर्म सेवा समिति, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने जो पिछले दिनों हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ है, एक दुष्कर्म हुआ है, दर्दनीय घटना हुई है, हम उसका विरोध करते हैं और डॉक्टर को हम श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का लोकतंत्र बिल्कुल ही निचले स्तर पर है, क्योंकि हमारे देश में जो रेप की घटनाएं हैं, आए दिन हमारे देश में रेप की घटना होती है और हमारे देश में एक दिन में करीब कई रेप होते हैं, मगर आज तक हमारे हिंदुस्तान की सरकारें, चाहे पहली हो जा जो प्रेजेंट में चल रही है, इस रेप की घटना के खिलाफ कोई भी सख्त कानून नहीं बनाती है। हम ये डिमांड करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि रेप की घटना पे एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिससे कि आने वाले दिनों में कोई भी रेप करने के बारे में जब सोचे तो उसको पता हो कि मुझे ये सख्त सजा मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ जैसे अरबी कंट्रियों में वहाँ कोई ऐसी घटना करता है तो उसे चौक में पत्थर मार मार कर जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसको पत्थर मारते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा ही कानून होना चाहिए कि अगर कोई हमारी माँ बहन बेटी के साथ रेप करने की कोशिश करता है तो उसको चौक में खड़ा कर पत्थरों से मारा जाना चाहिए और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती उसको पत्थर मारने चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज कल पहले ये घटना हुई और कल राजस्थान में 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हुआ और उस बच्ची की उसकी स्कूल बैलेट से साथ गलत वाकई उसकी मृत्यु हो गई। मैं कहना चाहता हूँ केंद्रीय सरकार कहाँ सोई है, ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या खाक बेटी पढ़ा रहे हैं और बेटी बचा रहे हैं? आए दिन हमारी बेटियों का रेप करके उनका जिंदा जला दिया जाता है, मगर सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक कोई सख्त कानून हमारे देश में इस रेप की घटनाओं के खिलाफ नहीं बनता, हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।